आशा रख के जो वो चले गए इस दुनिया से, वही आप विश्वास रखना कि जिस दिन मल्ली विधानसभा की सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। अभी तो आप लोग ने उपचुनाव जीता और उपचुनाव पूरे प्रदेश में 7 जगह हो रहा था जिसमें केवल मल्ली ने जीता, और मल्ली की महान जनता के आशीर्वाद से कहीं मैं कमजोर नहीं हूँ और किसी से डरता भी नहीं। जिसकी चर्चा चल रही है कि वहां से लड़ने आ रहे हैं, आप तुलना कर लेना, उनसे भी कमजोर नहीं हो। आप लोग का जिस हिसाब से प्रेम और हमारे साथ समर्थन मिल रहा है, आप विश्वास रखना उस व्यक्ति को आखिरी कील लकी यादव ठोकेगा, इतना कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, इतना आप विश्वास रखना। और मेरे टिकट के बारे में कोई कुछ अफवाह फैलाए तो उस पर विश्वास मत रखना, आपका बेटा और आपका भाई चुनाव लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर इस टीम को और इस कमेटी को, मंगल भाई को और मुरली वाले भाई को, सबको, और ये ज्योति यादव मेरी बहन ननकू चचा की बेटी है, मैं इसका भी बहुत सम्मान करता हूँ। ये भी यहाँ रुद्रकला की प्रधान बैठी है, तहे दिल से इसका भी आभार करता हूँ। जितने रामजस जी बैठे हैं, आदरणीय रामदारी चचा भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे थे, तमाम लोग पत्रकार के साथ ही सब लोग बैठे हैं, नाम लूंगा तो काफी समय लग जाएगा। तहे दिल से सबका आभार प्रकट करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। नौजवान साथी, इसी तरह जोश बनाए रहना, 7 मार्च तक साइकिल की बटन दबा देना, निश्चित ये स्टेडियम बन जाएगा।